नाउ नेक्स्ट हेडिंग अदर कॉन्क्वेस्ट्स, दूसरी जीतें महाराणा प्रताप की। वाइल अकबर वॉज एक्सपेंडिंग इज एम्पायर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, द अफगान्स कुड स्टिल मैनेज टू रिटेन सम पावर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या कह रहे हैं कि अकबर जबकि अपने साम्राज्य को सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में फैलाने में लगा हुआ था, तब अफगान्स जो थे कुड स्टिल मैनेज टू रिटेन सम पावर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अफगानों ने देश के ईस्टर्न पार्ट में अपनी कुछ पावर को मैनेज करने में लगे हुए थे, या फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया था। हालांकि अकबर जो है अपना साम्राज्य वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैलाने में लगा हुआ था, लेकिन जो अफगान्स थे वो कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में अपनी पावर को मैनेज कर लिए थे। क्या कह रहे हैं, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात इन 1572, अकबर्स अटेंशन वेंट टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन्स। क्या कह रहे हैं, आफ्टर 1572 में गुजरात की जीत के बाद अकबर अटेंशन वेंट टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन्स। अकबर का जो ध्यान था वो ईस्टर्न रीजन्स या ईस्टर्न एरियाज की तरफ गया। एंड बंगाल वॉज कंकर्ड विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में उसने बंगाल को भी जीत लिया। बिटवीन 1585 एंड 1595 अकबर सेंट अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। 1585 और 1595 के बीच में अकबर ने अभियान चलाए, कैंपेन्स मतलब अभियान चलाए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। काबुल, कांधार, सिंध एंड ईस्टर्न बलूचिस्तान वर एनेक्स्ड टू हिज एम्पायर। वहाँ पर भी उसने काबुल, कांधार, सिंध, ईस्टर्न बलूचिस्तान को अपने साम्राज्य में एनेक्स कर लिया यानी मिला लिया। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी अकबर बिगन टू एक्सपेंड द मुगल एम्पायर टू द डक्कन। 16th सेंचुरी के खत्म होने के साथ ही अकबर ने अपना साम्राज्य मुगल साम्राज्य को डक्कन तक फैला लिया यानी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों तक। बाई दैट टाइम उस समय से हिज अथॉरिटी ओवर सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया वॉज मोस्ट अनचैलेंज। उस समय से सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था उसकी अथॉरिटी को। बिटवीन 1950 एंड 1601 अकबर ब्रॉट द डक्कन किंगडम्स ऑफ अहमदनगर, बेरार एंड खंडेश अंडर मुगल कंट्रोल। उसके बाद 1590 और 1601 में अकबर ने दक्कन के राज्य जैसे कि अहमदनगर, बेरार और खंडेश को भी मुगल कंट्रोल में कर लिया। बाई द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1605, उसके बाद 1605 में उसकी डेथ हो जाने के बाद अकबर एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द हिमालयाज टू द गोदावरी। अकबर का जो साम्राज्य था वो हिमालय से गोदावरी तक हो गया एंड फ्रॉम हिंदू कुश टू ब्रह्मपुत्र और हिंदू कुश से ब्रह्मपुत्र नदी तक हो गया। अब आ जाते हैं जहांगीर। बिफोर हिज डेथ अकबर नॉमिनेटेड हिज रेबेलियस सन सलीम एज द हायर टू द थ्रोन। उसकी डेथ के बाद अकबर ने अपने बेटे सलीम जो कि उसका विद्रोह कर रहा था या उसको नहीं चाहता था अकबर को, उसी को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। सलीम बिकेम द मुगल एम्परर 1605, मुगल बादशाह, मुगल सम्राट 1605 में सलीम बना एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जहांगीर दैट मीट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद उसने जहांगीर का टाइटल लिया जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर हिज पीरियड। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी यानी उसकी आत्मकथा जिसका नाम तुजुके जहांगीरी है, उसमें उसके समय के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। लाइक हिज फादर जहांगीर कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अपने फादर की तरह जहांगीर ने अपनी फादर की पॉलिसी को जो राज्य की सीमा को फैलाने यानी एक्सपेंशन का जो उसका पॉलिसी था वो उसने चालू रखा। ही डिफीटेड द राणा ऑफ मेवाड़ इन 1615। उसने मेवाड़ के राजा राणा को 1615 में हरा दिया। वो फाइनली एक्सेप्टेड मुगल सुजनेटी, बाद में उन्होंने मुगलों की पराधीनता स्वीकार कर ली यानी मुगलों के अंडर में आ गए। ही ऑल्सो कंटिन्यूड विद अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। धर्म को लेकर के अकबर की जो टॉलरेंस थी यानी सभी धर्मों को मानने वाला जो अकबर का पॉलिसी था उसको उसने चालू रखा जहांगीर ने। ही मैरिड नूरजहां। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। वो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। नूरजहां ने मुगल प्रशासन में, मुगलों के राजकाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी इवन हैड कॉइन्स इश्यूड इन हर नेम। उसने अपने नाम के सिक्के छपवाए। नूरजहां आल्सो गेव लैंड ग्रांट्स, जमीनों को भी दान में दिया। नूरजहां ने मेनी ऑफ हर फैमिली मेंबर्स हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन एट द मुगल कोर्ट। नूरजहां के परिवार के बहुत सारे सदस्य मुगल के दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पर थे।
She did not want Prince Khurram to ascend the throne after Jahangir. राजकुमार खुर्रम को वो जहांगीर के बाद राजकुमार नहीं बनाना चाहती थी, थ्रोन पर नहीं बिठाना चाहती थी. Which led to a power struggle between Noorjahan and Prince Khurram. जिसकी वजह से नूरजहाँ और उसके बेटे खुर्रम के बीच में स्ट्रगल हो गया, संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई. However, after the death of the emperor, लेकिन फिर भी सम्राट की मृत्यु के बाद she retired from public life. लोगों के जीवन से उसने रिटायरमेंट ले लिया. नूरजहाँ ने एंड खुर्रम सक्सीडेड हिज फादर, और खुर्रम अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा. फिर देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द 1600 एंड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया. 1600 में अंग्रेज भारत आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन्होंने भारत में कदम रखा. टू एम्बेसडर्स, दो इनके राजदूत जिनके नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो थे, विजिटेड द मुगल कोर्ट. मुगल के दरबार, मुगलों के दरबार में इन लोगों ने ट्रेवल किया जहांगीर के शासनकाल में. जहांगीर गेव देम परमिशन टू सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत. इस तरीके से जहांगीर ने उन्हें सूरत में अपनी फैक्ट्री का सेटअप करने का परमिशन दिया. जहांगीर कंटिन्यूड विद द टॉलरेंट एंड बेनेवलेंट पॉलिसीज ऑफ अकबर. जहांगीर ने अकबर की बर्दाश्त करने की यानी सहनशीलता और बेनेवलेंट यानी बहुत ही अच्छी जो नीतियाँ थीं अकबर के, जो नियम कानून थे, उनको कंटिन्यू किया. He did not introduce any major changes to the administrative system. राजकाज में जहांगीर ने कोई बहुत ही मुख्य बदलाव नहीं किए जो कि उसके पिता ने इस्टेब्लिश किए थे. अब आ जाता है शाहजहां. After the death of जहांगीर, शाहजहां ascended to the throne in 1628. जहांगीर की डेथ के बाद शाहजहां ने राजगद्दी को 1628 में संभाला और अगले तीन दशकों तक यानी 30 सालों तक राज किया, 30 years तक राज किया. The main sources to reconstruct the history of Shahjahan include the Padshah Nama by Abdul Hamid Lahori and foreign accounts by Bernier, Manoki and Tavernier. Shahjahan की history को reconstruct करने के लिए Padshah Nama नाम की किताब है जिसको Abdul Hamid Lahori ने लिखा है, और कुछ विदेशी किताबें भी हैं, accounts यानी किताबें से, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है आपका, जिनको Bernier, Manoki और Tavernier ने लिखा है. शाहजहाँ रूल वॉज नोन टू बी अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. शाहजहाँ का शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था. ही एक्सपेंडेड द मुगल टेरेटरीज बाई कॉन्करिंग अहमदनगर इन गुजरात. उसने मुगल इलाकों को अहमदनगर, गुजरात में अहमदनगर को जीत करके एक्सपेंड किया, फैलाया. शाहजहाँ वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्ट मुगल सुजर्निटी. शाहजहाँ बीजापुर और गोलकोंडा के बादशाहों को या राजाओं को मुगलों की सुजर्निटी यानी पराधीनता को स्वीकार करने के में सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया. मुगलों के अंडर में कर लिया गोलकोंडा और बीजापुर के राज्यों को, राजाओं को. दीज लॉन्ग ईयर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. ये इतने लंबे साल शांति और स्थिरता के यानी सब कुछ अच्छे तरीके से चलने की वजह से व्यापार को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली, उसमें डेवलपमेंट हुआ. लाइक हिज फादर, शाहजहाँ आल्सो इनकरेज द यूरोपियन सेटलर्स टू कैरी आउट ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अपने पिता की तरह शाहजहाँ ने भी यूरोपियन सेटलर्स यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए थे उनको व्यापार से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ करने के लिए इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया. हाउएवर ही केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन देम. लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही पैनी नज़र से उन लोगों को देखा करता था, पैनी नज़र से यानी चेकिंग बार बार करता रहता था. एंड डिड नॉट हेजिटेट टू क्रश द पॉर्चुगीज ऑफ हुगली हु वर इन्वॉल्व इन पायरेसी. और पुर्तगाली लोग जो कि हुगली से थे उनको षड्यंत्र रच रहे थे, पायरेसी मतलब जो कोई ना कोई खुराफात किया करते थे या परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे, उनको कुचलने में भी वो जरा भी हिचकिचाया नहीं शाहजहाँ. फिर देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर आल्सो इनकरेज आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस. एम्पायर अच्छी तरीके से चलने की वजह से, मुगलों का साम्राज्य अच्छी तरीके की चलने की वजह से कलाकारी की परंपराएं जो थी उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिला. मुगल आर्किटेक्चर रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. इस तरीके से आपका मुगल आर्किटेक्चर या मुगल शिल्पकला जो थी वो अपने जेनिथ यानी ग्रेटेस्ट पॉइंट पर तक पहुंची जब शाहजहां का शासनकाल चल रहा था. हु इज नोन एज अ प्रोलिफिक बिल्डर, जिसे एक बहुत बड़ा बिल्डर भी जाना जाता है. प्रोलिफिक मतलब जिसने बहुत सारी बिल्डिंगें या इमारतें बनवाई, बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क बनवाया. द मोस्ट फेमस मोनूमेंट बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ इज द ताजमहल एट आगरा. सबसे प्रसिद्ध जो स्मारक है जो कि शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में बनवाई वो ताजमहल है जो कि आगरा में बना हुआ है.